बात आप पक्का बहुत गहराई से समझ लेना, किसी भी आत्मा के पार्ट और उनके कर्मों में हस्तक्षेप कभी नहीं करना। ये बहुत डेंजरस बात है जो आपको अंत घड़ी खत्म कर देगा। तो इसका मिसाल यज्ञ में चली हुई बातें दादी बहुत कहते थे। तो इसलिए कोई क्या भी है कुछ भी है, आप क्यों क्यों मैं ये बात कह रही हूँ, अभी हमारा टाइम खत्म हो गया पुरुषार्थ की। जो कुछ करना है इस बरस कर लो, दिसंबर तक आप कुछ भी करके अपना स्थिति बनाओ। क्यों मैं कह रही हूँ, विनाश नहीं होगा लेकिन परिस्थिति जो बनेगा बाद में जो होगा, हमारी सारी हम आप सबको मालूम है दुनिया में जो बदलाव आ रहा है, तत्वों में जो बदलाव आ रहा है, इससे बहुत सारी हलचलें होंगी। 850 करोड़ों की आत्माओं की जो संकल्प आतंक भय और तमो प्रधानता की जो वाइब्रेशन होगा वो बहुत जोरदार होगा। जो अगर हम देहबान में कच्चे रहेंगे ज्ञान योग धारणा में, फिर आप फंस जाएंगे, आपका योग भी नहीं लगेगा। जैसे अपने अंदर की सारा संस्कार बाहर आएगा, आप 70s की मुरली पढ़ लेना, एक मुरली है जिसमें बाबा ने कहा है हर एक बच्चा अगर योग नहीं करता, संस्कार को बदलता नहीं, उसके अंदर की जो इविल संस्कार है वैसा इमर्ज होगा, वो जैसे इविल स्पिरिट जैसा करेगा। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसके अंदर दूसरी आत्मा तो